आज यदुला कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में जनता दल सेक्युलर के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शेख महबूब साहब ने एक दो दिन के कैंप यहां पे रखा है, 12th और 13th। ये फ्री जो है वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड और हमारा जो लिंक, हमारा वोटर आईडी एंड आधार कार्ड को लिंक करने का जो कैंप यहाँ पे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिस्पांस है। बहुत अच्छा यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वार्ड नंबर 14 बल्कि अतराफ़ के तमाम मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर आकर के इस कैंप का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम जो व्यूवर्स हैं जिनका भी अभी नया आईडी कार्ड वोटर रोल में एनरोल नहीं हुए हैं, उनको मैं अपील करता हूं 18 साल के नौजवानों को कि आएँ वो और अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं, वोटर लिस्ट में अपना नाम को ऐड करें। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया प्रोग्राम है जहां पर वोटर आईडी को आधार कार्ड या किसी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से लिंक करने का प्रोग्राम है, उसको भी आगे कामयाब करें। मैं अपने जानिब से हमारे शेख महबूब साहब को, जो जनसल के लीडर हैं, उनसे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बेहतरीन कैंप, एक टाइमली कैंप उन्होंने किया है। मैं उनको पार्टी के जानिब से, अपने जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। बारह और तेरह को जो कैंप रखा गया था, आज उसका लास्ट दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ है और लोग भी आके अपने अपने आईडी कार्ड्स को अपडेट किए हैं, अपने अपने राशन कार्ड्स, नए राशन कार्ड्स बनाए हैं। और कुछ लोग जो नहीं आ पाए कुछ वजूहात की वजह से, वो आके अपने जो है ना आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, इलेक्शन आईडी है, आके जो है ना अपना अपडेट कर सकते हैं। टाइम 5 बजे तक है, 5 बजे से हम 6 बजे तक भी इसको काम में ले रहे हैं। यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं उनको बिठाए हुए हैं, 6 बजे तक भी काम भी ले रहे हैं। घर से निकल के आप अपना काम की कर लीजिए। लास्ट डेट 15, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर इसकी लास्ट डेट 15 है शायद, वक्त से पहले अगर हम अपडेट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे लिए, 3 से 4 दिन पहले मेरे को नासिर साहब फ़ोन किए थे, फ़ोन ये करिए शेख साहब क्या कर रहे हैं, हर तरफ जो है ना कैंप वगैरह हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कैंप कीजिए, लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है, ये लोगों पे एक अच्छा मैसेज जाता है, ये खिदमत का मौका है, ये खिदमत के मौके क्यों गंवाते आप, ये काम कीजिए। बोले तो मैं कुछ काम, दूसरे काम थे, मैं उसको पोस्टपोन करके ख़ास कर ये काम के लिए जो है ना मैं इस पर टाइम दे के, मेरी पूरी टाइम दे के मैं इसको अंजाम दिया हूँ। और नासिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे को ये काम करने के लिए कहे और हिम्मत अफजाई किए। और मैं शुक्रिया अदा ह्यूमन एड्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो टीम भी जो है ना आके हमारे लिए बहुत सपोर्ट की, बहुत काम करी। और मेरे मोहल्ले के बच्चे यदुल्ला कॉलोनी की जो यंग टीम है, वो टीम भी जो है ना बहुत ज़ोरों शोर से, हिम्मत से आके बच्चे जो है ना पूरे काम करे हुए हैं। और किसी को जितने भी यहाँ पे आके अपना काम करने के लिए आए हैं, जो भी वोटर आईडी हो, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी को कोई किस्म की तकलीफ होने नहीं दिए। इंशाल्लाह भाई का जो ये जो वर्क रहा है और नासिर उस्ताद का जो ये वर्क है, इंशाल्लाह इतनी जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको तरक्की दे अल्लाह ताला। हर इंसान अगर कौम के लिए सोचेगा, इंसान को अल्लाह ताला ना सीढ़ी अपने आप मिलती है जाने के लिए।
اس میں چاہے کون سی بھی قوم ہوں دے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہوں دے، ان کے لیے پوری خدمت کر رہے ہیں۔ ہر قوم کا ہر آدمی آ رہا، مبے کے کیمپ پہ آ رہا، ناصر استاد کے کیمپ پہ آ رہا، آ کے جو خدمت کر رہے ہیں لوگ، ہمارے جتنے بھی ورکرس لوگ ہیں یہاں پر، نوجوان بچے ہیں، اور مجھے بھی عزت دے کے بلائے گئے، مبے بلائے، اور ناصر استاد بلانے کے بعد، میں بھی آنے کے بعد، یہ ورکر کا جتنا بھی ہے، جتنے بچے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ آج میں بھی اس ٹیم کو دیکھ کے میں بھی خوش ہو گیا کہ واقعی میں کام ہو رہا ہے۔